मीराबाई ऐसी भक्त जिसका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। किशोरावस्था से लेकर जीवन के अंतिम समय तक मीरा ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीराबाई के बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद किशोरावस्था से लेकर मृत्युकाल तक मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और उनका स्मरण करते हुए ही उनमें समा गई। लेकिन मीराबाई के बारे में कितना जानते हैं आप? मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त तो थी ही, लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ने और श्री कृष्ण में ही समा जाने की अवधि में मीराबाई के साथ कई रोचक घटनाएं हुई जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, तभी आप मीराबाई की भक्ति को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में मेड़ता के राठौर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर पर कुड़की नामक गांव राजस्थान में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपुताना जात में जन्मी मीराबाई के घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन बचपन में मीरा के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गईं। जब मीराबाई 8 साल की थीं, तब मोहल्ले में एक बारात को आता देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण हैं। इस घटना के बाद से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाचा करती थी। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी, इसलिए तो मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर हमेशा गाया करती थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण हैं, लेकिन महाराणा कुंभा को मीरा की ये बात केवल प्रयास लगी। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के समक्ष नाचती गाती और भजन करती। मीरा के इन कार्यों से उसके ससुराल वाले गुस्सा होने लगे थे। उसके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही हैं और मस्ती में गा रही हैं। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नयन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। कुछ समय बाद मीरा के पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीरा को सती होने के लिए कहा तो मीरा बोली, मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। इस पर उसके ससुराल वालों ने मीरा पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाकर
भरी सभा में मीरा को विष का प्याला देकर पीने को कहा। मीरा भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विष को पी गईं। सबको लगा कि अब मीरा जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीराबाई की हत्या करने के पीछे एक और किंवदंत यह भी प्रचलित है कि जिसके मुताबिक एक बार मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए फूलों की टोकरी में एक सांप रखकर मीरा के पास भेजा, लेकिन जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली, सांप फूलों की माला में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई को मारने की कोशिश में एक और अन्य किंवदंत के मुताबिक एक बार राणा विक्रम सिंह ने उन्हें मारने के लिए कांटों की सेज पर भेजा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा भेजा गया कांटों का सेज भी फूलों के बिस्तर में बदल गया। ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। कहा जाता है कि मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज में उपद्रव होने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज में दो सैनिक भेजे गए। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे, हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीरा ने सैनिकों से कहा, यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या तुम खाली हाथ वापस लौट जाते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही था। इतना सुनते ही मीरा ने एक तार वाला यंत्र एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति भजन करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय मीरा भजन करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेली में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन उनका विवाह एक गोप से कर दिया गया। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में 16वीं शताब्दी में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई केवल एक नाम नहीं है, उनकी भक्ति तरंग आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हरि भक्त मीराबाई की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।